लोकसभा चुनाव की तैयारियों को कांग्रेस ने धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को बनाया गया है। साथ ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव को कमेटी का कन्वीनर बनाया है। ये समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू करेगी। समिति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी जगह दी गई है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओंकार सिंह मकराम, रंजिता रंजन, जिग्नेश मेमानी और कुलदीप सप्पल को भी समिति में जगह मिली है। मणिपुर के पूर्व उप मुख्यमंत्री गैखम गम और लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई को भी समिति में शामिल किया गया है। इससे कुछ दिन पहले कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं मंगलवार यानी 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी बनाने का फैसला लिया था। इस कमेटी में 5 लोगों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस 5 सदस्यीय कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को कन्वेनर की जिम्मेदारी दी गई थी। ये सभी नेता 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग के साथ साथ अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे और सहमति बनाएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में कांग्रेस नेताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है कि आने वाले चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी। कांग्रेस की इन तैयारियों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को हराने का पूरा प्लान बना लिया है। वहीं मैनिफेस्टो कमेटी 2024 चुनाव को लेकर लोगों से जुड़े मुद्दे और उनकी मांगों के आधार पर कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करने में अहम भूमिका। 24 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपने किले की मरम्मत करना शुरू कर दिया है। मजबूत और कमजोर सीटों की पहचान की जाने लगी है। उम्मीदवारों की तलाश शुरू हो चुकी है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने और इन्हें रफ्तार देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज भी बीजेपी में बड़ी बैठक हुई। यह बैठक बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी की इस बैठक में पार्टी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों और इसके साथ ही जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां से भी बड़े नेताओं को बुलाया है। इसके साथ ही राज्यवार रिपोर्ट ली गई। किस राज्य में कौन सी सीट कमजोर है, किस राज्य की कौन सी सीट पक्की है, कहां क्या कंफ्यूजन है, कहां अलायंस पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट करना है, इन सारी बातों पर बीजेपी की बैठक में चर्चा की गई। बीजेपी की इस मेगा बैठक का आज दूसरा दिन था। इस दौरान कुल 3 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें मीटिंग की शुरुआत सोशल मीडिया, नमो ऐप और विस्तारक योजना को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद दूसरा सत्र कॉल सेंटर, विश्वकर्मा योजना और 5 राज्यों की रिपोर्टिंग पर चर्चा हुई। इसके बाद किसान मोर्चा और युवा मोर्चा की बैठक हुई और इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। वहीं दूसरे सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के पहले दिन पीएम मोदी शामिल हुए थे। आज बैठक के दूसरे दिन आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर अमित शाह ने बातचीत की। पार्टी की योजनाओं और रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही शाह ने बीजेपी के सभी नेताओं से अभी तक के कार्यों की रिपोर्ट ली। इसके बाद चुनावों, अयोध्या राम मंदिर की तैयारी पर संगठन मंत्रियों की रिपोर्ट पर बात हुई। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समापन भाषण के बाद कार्यक्रम को समाप्त किया गया। बीजेपी ने अपनी तैयारियों की शुरुआत इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद की है। यानी 2024 में मोदी की वापसी को लेकर बीजेपी को डर सता रहा है। चौहान को मध्य प्रदेश से दूर दक्षिण के राज्यों में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वो मध्य प्रदेश में रहकर बीजेपी के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर दे और मोदी की छवि को चमकाने के बजाय खुद को जनता का हमदर्द साबित ना कर दे। इसीलिए उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया है। लेकिन शिवराज ने भी मोर्चा खोल दिया है। विधायकों के क्षेत्र में जाकर शिवराज खुद जनता और कार्यकर्ता को धन्यवाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने अगर विधायकों को जिताया है तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो वहीं उन्होंने एक कार्यकर्ता से मिलकर गले लगकर और उसे जूता पहनाकर फिर से मोदी शाह को चुनौती दे दी है। ये ऐसे कर्मठ और संकल्पित कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए 2017 से इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया, प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा और अपनी सरकार भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आप कृपया करके जूते और चप्पल पहनना प्रारंभ कीजिए
अब शिवराज के इस कदम को मोदी शाह के लिए एक और चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।